like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS TET की जो कि हमारी preparation चल रही है. Target subject है हिंदी and आज का जो हमारा topic है विसर्ग संधि. हमने already स्वर संधि के बारे में जाना, संधि क्या है ये देखा, स्वर संधि के बारे में जाना, उसमें part जो है जो तीन भागों में बांटा गया है, संधि, स्वर संधि के बारे में जाना, व्यंजन संधि के बारे में जाना, आज हम जानेंगे विसर्ग संधि के बारे में. तो जो हमारे सेशन में न्यू है लाइक सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकॉन करते चलिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट. आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम, सभी लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड टेलीग्राम पर यहाँ पर प्रैक्टिस भी चल रही है, जो भी यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़िएगा. हम आपके सामने 30 डेज का क्रैश कोर्स लेके आए हैं. पैकेज पेपर वन जो है फुल पैकेज है, पेपर टू का सिलेक्टेड पैकेजेस अवेलेबल है. एंड बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन होगा, प्री रिकॉर्डिंग सेशंस भी मिलेंगे आपके फ्लेक्सिबल टाइम पर. हर ईयर बैच स्टार्ट हो चुके हैं एंड न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो सीधा आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सब्सक्रिप्शन वाला स्पेशल टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड किया गया है, वहाँ आप हमारे साथ जुड़कर जो भी डाउट है पूछ सकते हैं. तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के लिए सिलेबस सेम ही है. उसके अनुसार आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं. जिन्होंने भी इन सेशंस नहीं देखे हिंदी के ज़रूर देख लीजिएगा. आज का जो सेशन है उसमें हम संधि के बारे में जान रहे हैं. संधि का ऑलरेडी हमने सेशन बनाया है, जिसमें आप जिन्होंने भी नहीं देखा संधि बेसिक लेवल से हमने वहाँ पर बताया है. संधि के पार्ट्स में डिवाइड करके हमने सारे सेशंस भी बनाए हैं, जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. तो आज स्वर संधि के बाद, व्यंजन संधि के बाद आज का जो हमारा सेशन बन रहा है वो है विसर्ग संधि. क्या है विसर्ग संधि, क्या रूल्स हैं विसर्ग संधि भी बनने के लिए, ये हम देखेंगे. व्यंजन संधि के हमने ट्रिक्स देखे, टिप्स देखे, कौन किस प्रकार जो व्यंजन संधि है किस रूल से यहाँ पर वो व्यंजन संधि को हम यहाँ पर पहचान सकते हैं, व्यंजन संधि को यहाँ पर हम किस रूप में परिवर्तन के बाद में किस कौन से रूप में यह धारण करते हैं, ये सारे रूल्स हमने देखे थे. आज हम विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे. विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं. यानी कि ये जो विसर्ग है इसके बाद अगर यहाँ स्वर आए, विसर्ग के बाद दूसरे पद में अगर स्वर आए या व्यंजन दोनों में कोई भी आए, इसमें इन दोनों के में से स्वर विसर्ग और स्वर के में से स्वर विसर्ग और व्यंजन के वर्ण के में से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं. रूल्स क्या है, नियम क्या है, ये सारे देखेंगे एंड इसके कुछ उदाहरण देखेंगे. पहले ये रहे उदाहरण. मन विसर्ग है जो कि यहाँ पे पहले पद में जो आखिरी जो है वो विसर्ग है एंड दूसरे पद में जो है व्यंजन यानी कि बा है. अगर ना विसर्ग के साथ बा का मेल होता है तब ये किस प्रकार परिवर्तन होता है, तो वो ओ के रूप में परिवर्तन होता है, इस प्रकार परिवर्तन होता है. मन प्लस बल, मनोबल. दुर्ग, यहाँ पर देखिए दुख के आगे विसर्ग है एंड शासन है, दूसरे पद में शासन है. दुशासन, यहाँ पर किस प्रकार चेंज हुआ है, जो द्रु है ये जो विसर्ग है ये शा में परिवर्तन हो गया, ये जो विसर्ग है ये शा में परिवर्तन हो गया. इसके सारे नियम हम जानेंगे आगे. दुशासन, द्रु शासन के रूप में यहाँ पर परिवर्तन हो गया. नी यहाँ पर विसर्ग लगा है, पहले पद में आखिरी जो यहाँ पर विसर्ग लगा है एंड दूसरे पद में व्यंजन है. निष्फल, जो यहाँ पर विसर्ग है ये शा के रूप में चेंज होता है, बदलता है, नया विकार उत्पन्न होता है. इसके सारे रूल्स हम यहाँ पर जाएंगे. निष्फल का जो है
यहाँ पर नि जो है विसर्ग के साथ एंड फल जो है ये परिवर्तित होकर निष्फल में चेंज होता है। नेक्स्ट विसर्ग के संधि बनाने के कुछ नियम है, वो नियम क्या है हम यहाँ पर देखते हैं। जब कभी किसी शब्द में विसर्ग के बाद छा छा या शा आए तो विसर्ग शा हो जाता है। कौन सा बन जाता है? शा बन जाता है। अगर विसर्ग के साथ, देखिए विसर्ग के साथ अगर छा छा या शा आता हो तो ये किस प्रकार परिवर्तन, दूसरा वर्ण किस प्रकार बदल जाता है, किस प्रकार कौन सा विकार उत्पन्न होता है, तो वो है शा। कुछ उदाहरण दिया गया है वो हम देखते हैं। देखिए नी के आगे पहले पद में जो विसर्ग है, दूसरे पद में जो छा वर्ण है, नी छल में यहाँ पर जो विकार उत्पन्न हुआ है निश्चल, ये शा जो है इस प्रकार परिवर्तित हुआ है निश्चल। नेक्स्ट देखिए दूसरे यहाँ पर जो पहले पद में विसर्ग है एंड दूसरे पद में जो पहला वन है वो छा है निश्चल, ये जो विसर्ग है ये शा के रूप में परिवर्तित होता है निश्चल। ध्रुव के आगे देखिए विसर्ग लगा है एंड दूसरे पद में शासन है जो के ये जो विसर्ग है शा के रूप में नया विकार उत्पन्न होता है, यानी कि दुशासन के रूप में परिवर्तित होता है। ये जो विसर्ग है ये शा के रूप में परिवर्तित होता है। दु और शासन जो मिलकर दो दूसरा विकार उत्पन्न होता है वो है शा का विकार उत्पन्न होता है। दूसरा रूल क्या है ये भी देख लेते हैं। विसर्ग संधि के अंतर्गत जब कभी संधि करते समय विसर्ग के बाद, विसर्ग संधि के अंतर्गत, विसर्ग संधि के अंतर्गत जब कभी संधि करते समय विसर्ग के बाद शा शा सा आए तो विसर्ग अपने मूल रूप में बने रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके स्थान पर बाद वाला वन हो जाता है। यानी कि देखें अगर विसर्ग के साथ शा आए, शा 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 सा आए तो यहाँ पर कोई परिवर्तन, कोई चेंज यहाँ पर नहीं होती है। जिस प्रकार दिया गया है उसी प्रकार लिखा जाएगा। एंड जो है यहाँ पर अगर यहाँ पर चेंज होगा तो वो जो अक्षर है उसके उसके दूसरे उसके बाद का जो वन होता है उसमें चेंज होता है। देखिए यहाँ पर निसंदेह, यहाँ पर जो विसर्ग है यहाँ पर जो है वो उसी प्रकार साकार रूप धारण करता है जो पहले दूसरे पद में पहला पद है उसी रूप में आता है निसंदेह। नि विसर्ग में जो पहला पद है उसमें विसर्ग है एंड दूसरे पद में संदेह है, ये जब दोनों विसर्ग और सा का जब मेल होता है जो मूल रूप यहाँ पर सा का होता है वही यहाँ पर उत्पन्न होता है, विकार चेंज होता है तो निस्संदेह उसी रूप में आ जाता है, कोई दूसरा यानी कि कोई दूसरा वर्ड यहाँ पर नहीं लेता है। अगर ध्रुव विसर्ग के साथ अगर शासन दूसरे पद में शा आ जाए तो यहाँ पर जो दू है, यहाँ पर जो ऊ है, ध्रुव विसर्ग के साथ अगर शा का मेल हो तब वो उस पद के स्थान पर दूसरा वाला पद आ जाता है। विसर्ग संधि के अंतर्गत संधि करते समय विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़कर अन्य स्वर कोई भी स्वर हो तथा उसके बाद कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। यानी कि देखें विसर्ग जो यहाँ पर पहले पद पे दिया गया है इसके बाद अगर कोई स्वर आ या आ को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर कोई और स्वर यहाँ पर आएगा तो वो बन जाएगा विसर्ग संधि और वो कन्वर्ट हो जाएगा रा में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विसर्ग है पहले पद में और दूसरे पद में ऊ है, ऊ वन है एंड यहाँ पर देखिए ऊ है एंड यहाँ पर भी ऊ है। अगर स्वर्ण में अगर विसर्ग के साथ आ आ को छोड़कर कोई भी स्वर यहाँ पर आ जाए तो वो किस रूप में धारण होगा, वो रा के रूप में धारण होगा। निगुण निर्गुण यहाँ पर देखिए जो रा की मात्रा है ये रा में परिवर्तन हो गया। दुरुपयोग दुरुपयोग यहाँ पर देखिए रा का
मात्रा आई है एंड दुर्गुण रा की मात्रा में आया है, यानी कि जब कभी भी विसर्ग के साथ दूसरा स्वर जो भी आ को छोड़कर दूसरा कोई भी स्वर जुड़े तब उसमें जो विकार उत्पन्न होगा वो है रा का विकार उत्पन्न होगा। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिर उन पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ तक हमारा जो स्वर संधि है, जो संधि पाठ है, उसमें हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि सभी के बारे में डीपली यहाँ पर चर्चा की है, उनके रूल्स के बारे में चर्चा की है, उनके नियमों के बारे में चर्चा की है, उनके टिप्स किस प्रकार नियम फॉलो करते हैं वो भी हमने चर्चा की है। तो नेक्स्ट सेशन में हम न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। एंटेनेंट कीप स्माइल, बाय बाय।